तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में। थॉर लव एंड थंडर मैं देख के आया हूँ और लिटरली देखने के बाद मेरे मन में एक ही सवाल था कि मार्वल हगना है तो बाथरूम में जाके हगो, ऐसे बड़े पर्दे पे आके मत हगो। अब मुझे पता है कि तुम लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्या यहाँ पे फालतू बोल रहा है। लेकिन हाँ, वीडियो देखो, तुमको मैं रिव्यू देने वाला हूँ और फुल स्पॉयलर्स होने वाला है। तो जिसको यहाँ पे स्पॉयलर्स से प्रॉब्लम है वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत कुछ मैं बोलने वाला हूँ। सबसे पहले मार्वल स्टूडियो से मैंने एक उम्मीद लगा के रखा था और एक होप था कि भाई सबसे जो लास्ट इसने वॉस्ट मूवी बनाया था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उससे ज्यादा घटिया मूवी ये लोग नहीं बना सकते हैं। लव एंड थंडर देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात चला कि भाई इसके सामने तो भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लॉट मतलब बहुत ज्यादा बेटर था। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूं वो बताता हूं। सबसे पहले इस मूवी को तुम क्यों देखने जा रहे हो, क्योंकि इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुमको थॉर को देखना है, थॉर के पावर को देखना है। दूसरी बात, इस मूवी को देखने के लिए तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि इसके अंदर गौर को दिखाएगा। गौर एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कॉमिक के अंदर किसी भी देवता का गांड फाड़ने के लिए बस एक सेकंड लगाता है, उससे ज्यादा टाइम उसको नहीं लगता, किसी का भी गांड फाड़ देता है। लेकिन इस मूवी को जब तुम देखना स्टार्ट करोगे तो भाई तुमको ये पता चल जाएगा थोड़ी ही देर के बाद, जो विलन आते ही पेलम पट्टी शुरू कर देता है और पेलना स्टार्ट कर देता है और उसे देख के हमें ये लगता है कि भाई ये किसी को नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है क्रिश्चियन बेल बहुत ही यहाँ पे फाइन एक्टर है और बहुत ही ओवी वाला एक्टर है और उसका एक्टिंग का मैं जरा सा भी कह सकते डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस मूवी के अंदर बात करें तो उनको बहुत ही कम टाइम मिला है। यदि कॉमिक का बात करें तो उसके अंदर गौर का जर्नी दिखाया गया है, कैसे वो स्ट्रगल करके पेलम पट्टी करता है और कैसे वो गॉड को मारता है। लेकिन इस मूवी के अंदर कैसे गॉड को उसने मारा है एक भी सीन नहीं दिखाया जाता है। मतलब गॉड को बताया जाएगा कि ये गॉड है, ये सबको पेल देगा, ये भगवान को मार रहा है, लेकिन कैसे मार रहा है कहीं पे भी नहीं दिखाएगा। पूरे मूवी के अंदर कहीं पे भी नहीं दिखाएगा, जो कि बहुत ही कह सकते हो गंदी बात है। भाई 5 मिनट 10 मिनट बढ़ा देते मूवी का लेंथ, हमें दिक्कत नहीं था, हम मार्वल फैन है, हमें दिक्कत नहीं था, लेकिन दिखाते तो गॉड कैसे मारता है वो देखने के लिए हम गए थे। प्लस यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट वाले सीन के, थॉर अपना पावर शेयर कर देता है सारे ही बच्चे के साथ। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि भाई क्या दिक्कत है, बच्चे के साथ शेयर किया तो उसको थॉर को ही तो फायदा हुआ ना, थॉर गॉड को मार पाया इजीली। लेकिन एक बात बताओ, वो बच्चे हैं, उसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं है कि फाइटिंग कैसे करना है, कैसे पावर को यूज करना है। लेकिन सडनली जैसे उनको पावर मिलता है थॉर का, भाई वो एकदम से बन जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि विलन से कैसे लड़ना है, कैसे पावर्स को यूज करना है, कैसे उड़ना है, कैसे लैंड करना है। अबे यार क्या मूवी है, मतलब क्या है। मैं एक हेटर नहीं हूं, लेकिन भाई मैं थॉर को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं मूवीज के अंदर, या कह सकते हो वो मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। और उसको जिस तरह से बेइज्जती मारा गया भाई, वो बहुत ज्यादा गंदा था। भाई थॉर का इन्फिनिटी वॉर वाला एक्शन सीन देखो, वाकांडा के अंदर आया था तो सबका मुंह से एक ही बात निकला था कि ये आ गया गॉड और ये पेलेगा सबको। लेकिन इसके अंदर क्या दिखाया भाई, कहीं पे भी असली पावर तो दिखाया नहीं गया। ऊपर से ज्यूस का बात करें, ज्यूस के साथ जो इन्होंने किया है ना, मतलब क्या ही बोलना, मतलब कुछ ही देर के अंदर ज्यूस को भी पेल दिया फालतू का। ऊपर से एक्टिंग का बात करें तो देखो सारे ही कैरेक्टर का एक्टिंग बढ़िया था, सबसे ज्यादा तुम्हें कॉर्क हंसाएगा। लेकिन इस मूवी का बात करें तो इस मूवी को कहीं से भी एक्शन मूवी नहीं मानूंगा मैं, इस मूवी को मानूंगा कॉमेडी मूवी, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक कॉमेडी 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 ही डाला गया है। भाई ये एक सीरियस मूवी है, इसके अंदर गौर आया है और गौर सारे ही देवता को पेल रहा है, तो सीरियस मूवी बनाओ। प्लस एमसीयू वाला जो डायलॉग है ना, एमसीयू वाला लड़की वाला डायलॉग, वो इसके अंदर फिर से होता है। गौर का जो बच्चा है ना, जो उसका बच्चा था वो बेटा था, मतलब लड़का था, लेकिन इस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया, उसे लड़की दिखाया गया। मतलब भाई ठीक है, एमसीयू है, कुछ भी करेगा। बात करें इस मूवी का कि मैं 10 में से कितना दूंगा, 4 दूंगा। और 4 में क्यों दूंगा, मैं 4 स्टार ही क्यों दिया वो भी बता देता हूं। सबसे पहला स्टार विलन के लिए, दूसरा स्टार कॉर्क के लिए, तीसरा स्टार यहां पे मैं दूंगा, तीसरा स्टार मैं देना चाहूंगा जेन फॉस्टर को, और चौथा स्टार मैं देना चाहूंगा वैलकरी को। बस यही है। थॉर का बात करें तो मुझे थॉर उस टाइप का देखने को नहीं मिला। और तुमको लग रहा होगा कि तुमने 6 स्टार कहां पे काटा, तो वो बताता हूं। सबसे पहले जो नेक्रोसॉर्ड है उसका यहां पे ओरिजिन नहीं दिखाया गया, उसको यहां पे कैसे, उसका पावर क्या है वो नहीं दिखाया गया। दूसरा स्टार मैंने काटा ज्यूस को यहां पे बहुत ही ज्यादा एकदम दिखाने के लिए। तीसरा स्टार मैंने काटा स्टोरी टेलिंग का। चौथा स्टार मैंने काटा यहां पे डार्क जो दिखाया गया था वो बहुत ज्यादा डार्क था और बहुत कोई को वो अच्छा नहीं लगेगा। पांचवा स्टार जो मैंने काटा वो थॉर का सबसे हाईएस्ट लेवल का पावर नहीं दिखाने के लिए। और आखिरी स्टार मैं काटूंगा यहां पे बच्चे को पावर देने से, भाई उनको पावर दे दियो, कैसे वो पावर को यूज कर रहा था ये भी नहीं एक्सप्लेन किया गया था। तो ये थी मेन बातें। अब मुझे पता कि बहुत लोग डिसएग्री करोगे कि भाई यहां पे क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखो तुम मानो ना मानो ये मूवी बहुत ज्यादा घटिया, अभी मेरा बात मत मानो, लेकिन यहां पे एक बात याद रखना, 1 महीने के बाद जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर है वो सब इस मूवी को गाली देंगे, सब गलत बोलेंगे। क्योंकि जब मैंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का यहां पे बताया था, असली रिव्यू दिया था और गलत बोला था, तो मुझे गाली पड़ रहा था। लेकिन उसी के बाद जो बड़े बड़े यूट्यूबर है वो भी गलत बोलना स्टार्ट कर दिए थे 1 महीने के बाद। चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड हां कीप वॉचिंग सूप टॉक, बाय।